लगभग 750 साल तक जैसलमेर के सभी मंदिरों में गड़ीसर का पवित्र जल उपयोग में लिया जाता था। एक वक्त ऐसा भी था जब गड़ीसर के घाट पर जूते चप्पल के उपयोग में भी सख्त मनाही थी। जब गड़ीसर की कोई सुध नहीं ले रहा तो इतिहास की यह अमूल्य धरोहर आज अपना दुखड़ा खुद गा रही है। पानी की कमी जैसलमेर के लिए कोई नई बात नहीं है, इस वजह से अकाल और जैसलमेर को एक दूसरे का पर्याय भी कहा जाता है। कहा जाता है कि एक समय में जैसलमेर में एक घड़े पानी के लिए 10 घड़े घी देने से भी लोग हिचकिचाते नहीं थे। हिंदुस्तान के पश्चिमी सरहदी मस्तल में पानी की सार्थक सोच का प्रतीक गड़ीसर सरोवर संरक्षण के अभाव में है। जैसलमेर जहां चारों तरफ रेत ही रेत, एक वक्त जब इस रेत के समुद्र में गड़ीसर एकमात्र पानी का स्रोत। यह कहानी गड़ीसर सरोवर की है जिसे हम उसी के भाव में समझते हैं। मैं वही गड़ीसर सरोवर जिसने लगभग 750 साल तक जैसलमेर की प्यास बुझाई। मेरा जन्म 13वीं शताब्दी में हुआ। जैसलमेर के तत्कालीन महारावल गढ़सी सिंह ने मुझे जीवंत रूप दिया था। जैसलमेर के शासकों व प्रजा द्वारा समय समय के साथ मेरा विकास भी किया गया। 1910 में मुकुट के रूप में टीलू की पोल का निर्माण करवाया गया जिसने मेरी सरणी माभा को चार चांद लगा दी। मेरा पानी पूजा अर्चना में पीने के लिए उपयोग में था। मुझे गंगा सा पवित्र माना जाता था, लेकिन अब मेरे जल भराव क्षेत्र में लोग अतिक्रमण कर बैठे हैं। मुझ में समाई पीले पत्थर से बनी नकाशी दिकार छतरियाँ व बंगलियाँ जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। मैं वही गड़ीसर हूँ जिसने जहाँ के पर्यटन को बढ़ाने में अहम योगदान दिया, लेकिन आज मैं निराश हूँ क्योंकि अब मेरी कदर नहीं की जाती। मुझे याद है एक वक्त ऐसा भी था जब जैसलमेर के बासिंदे चरण पादुकाओं और बाहर उतार कर फिर मेरे घाट पर प्रवेश करते थे। आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा हूँ। आज सरोवर का पानी पूर्णतया अशुद्ध हो गया है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से गड़ीसर सरोवर में मछलियाँ डाल दी गई है। कैटफिश प्रजाति की मछली गर्मियों में तापमान वृद्धि के साथ तालाब में ही प्राण त्याग देती है, जिसके चलते गड़ीसर का पानी बदबूदार भी हो गया है। पर्यटन नगरी जैसलमेर अपनी ऐतिहासिक पीले पत्थरों की इमारतों के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ के पर्यटन स्थलों में संरक्षण को लेकर कोई गंभीर नहीं है। जैसलमेर की प्रसिद्ध गड़ीसर सरोवर कई कलात्मक छतरियाँ मरम्मत का इंतजार कर रही है। जगह जगह से पत्थर टूट कर गिर रहे हैं, कई जगहों के पत्थर भी निकल गए हैं और हालत बेहद ख़राब है। पानी के बीच बनी छतरियों के पत्थर एक एक करके पानी में गिर रहे हैं जैसे इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई है। जिम्मेदार अधिकारी इसकी मरम्मत का कोई काम नहीं करवा रहे हैं जिससे ये इमारतें कभी भी पानी में समा सकती है। जैसलमेर की प्यासी प्रजा की प्यास बुझाने के लिए तत्कालीन महारावल गढ़सी सिंह ने गड़ीसर सरोवर का निर्माण करवाया। 1980 इस सरोवर का पानी उपयोगी साबित हुआ। लगभग 750 साल तक जैसलमेर के सभी मंदिरों में गड़ीसर का लिया जाता है। एक वक्त ऐसा भी था जब गड़ीसर के घाट पर जूते चप्पल के उपयोग में भी सख्त मनाही थी। आम लोगों का गड़ीसर से अभी मोह भंग हो गया है। 1980 के बाद धीरे धीरे पानी घरों में सुलभ उपलब्ध होने के बाद आम लोगों का गड़ीसर से मोह भंग हो गया। इस तरह धीरे धीरे गड़ीसर की पवित्रता भी खत्म हो गई। हालात ये है कि आज गड़ीसर सरोवर का पानी अब तो ना पीने में काम लिया जाता है और ना ही मंदिरों में उपयोग लिया जाता है। लगातार ये हालत एक ही धरोहर के नहीं राजस्थान की अनेकों धरोहर जो लगातार धीरे धीरे विलुप्त होती हुई नजर आ रही है। हमारी कला, हमारी संस्कृति, हमारा गौरव, हमारा मान सम्मान, ये राजस्थान की धरोहर धीरे धीरे विलुप्त होती नजर आ रही है। लगातार द खटक की टीम लगातार हमेशा अपडेट देती है, धरोहर बचाने को लेकर लोगों तक, आम जन तक यह लगातार पहुँचाती रहती है। ऐसी ही अपडेट के लिए लगातार जुड़े रहिए द खटक से। मैं आपका साथी द खटक से राजेंद्र सिंह, धन्यवाद।